विशेष तो आपका स्वागत है निशा किचन में शाम को, जो कि 5 बज चुके हैं और देखिए बड़ा सा पाइप लग चुका है खेत में, देखिए पानी भरा रहा है पूरा धनिया के, देखिए जो बीहन लगा था धान का इसमें ही पानी, देखिए यहाँ पे मेड़ी जो कि खोल दिया गया है और पानी देखिए खेत में अच्छे से भरा रहा है और अम्मा देखिए दोनों लगी हैं वहाँ पर मेड़ खोल के पानी भरना पड़ता है धनिया खेत में और धनिया भी हमारा अच्छे से जाम रहा है, पानी बहुत ठंडा आ रहा है और जो हवा चल रहा है बहुत ठंडा लग रहा है यहाँ पे खेतों में ना काम करने में बड़ा मज़ा आता है ठंडे ठंडे हवा के साथ। छोटी वाली भैंस ले देखिए घास काट ले रहे हैं, ताज़ा घास काटते हैं और इसको मार के अपनी छोटी वाली भैंस को डालते हैं तो बड़ा अच्छे से खा जाती है पूरा भूसा और कोवर। अभी घास काटने के बाद इसमें पानी भी लगाएंगे खेत में भरने के लिए। घास को देखिए हमने अच्छे से काट दिया है, इसको डाल देते हैं नाद में खाएगी, बहुत ही प्रेम से खाती है। इधर खेत में धनिया भरा है, इधर देखिए खेत में जिसको मरी का घास है उसको भर दे रहे हैं, इधर देखिए पतला क्यारी में सनई हुआ गया है सनई का फूल और देखिए धीरे जमने लगा, आपको दिखाते हैं वो देखिए छोटा पौधा, ये देखिए इधर देखिए छोटा देखिए निकलने लगा है सनई जो है, सबको पानी डाल देते हैं घास में भी लगा देते हैं इधर भी और भिंडी खेत में पानी लगाएंगे। खेतों का सारा काम धाम निपटाने के बाद देखिए मड़ई के पास आ गए और शाम हो गया है, गमलों में देखिए पानी डाल देते हैं, यहाँ पे एक बाल्टी देखिए पानी लेकर आए हैं, डेली हम पानी डालते हैं शाम को, तभी हमारे जो फूल के पेड़ पौधे हैं काफ़ी अच्छे से हरे भरे दिखते हैं। इस समय काफ़ी तेज धूप है ना और लुआर भी चलता है, डेली हम पानी डालते हैं। चल अपने खेत में, हमारे खेत में काफ़ी सारा नेनुआ हो गया है, आज हम बनाने वाले नेनुआ का चोखा जो खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है, चलते नेनुआ खेत से तोड़ लेते हैं। देखिए कि ये रहा बड़ा सा, इसको तोड़ते हैं चोखा बनाने के लिए। जब नेनुआ का चोखा बनता है ना सरसों का तेल डाल के और लहसुन भूज के ना बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है गांव में, जो कि नेनुआ का चोखा लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। देखिए ये रहा नेनुआ बड़ा सा, इसको तोड़ लेते हैं और एक देखिए रहा बड़ा सा, इसको तोड़ लेते हैं और ये देखिए कि ये रहा नेनुआ खेत में, इसको तो लेते हैं और काफ़ी सारा देखिए फूल और बतिया लिया है नेनुआ में, देखिए कितने छोटे हो, अभी ये काफ़ी बड़ा होगा नेनुआ और ये देखिए ताज़ा नेनुआ जब चोखा बनता है बड़ा ही टेस्टी लगेगा खाने में। और चलते हैं खेत के अंदर देख के तोड़ लेते हैं नेनुआ, देखिए रहा बड़ा सा, इसको तोड़ लेते हैं, काफ़ी सारा देखिए नेनुआ हमने तोड़ लिया चोखा बनाने के लिए, इसको लेकर चलते हैं। के पास देखिए आ गए हैं नेनुआ लेकर, अब इसी का चोखा हम बनाएंगे और देखिए यहाँ पे हमने रट्टा लिया, इसको एकदम बारीक तोड़ लिया है, इसमें आग जलाते हैं और उपला सरिया कर उपले का आग में ही भूनेंगे हम, भून का जब नेनुआ का चोखा बनता है ना तो बड़ा स्वादिष्ट बनता है। उपले का आग देखिए अच्छे से हो गया है, ये जो नेनुआ है ना देखिए इसी में डालते हैं एक एक करके, देखिए हमने टमाटर डाल दिए, नेनुआ डाल दिया, देखिए लहसुन है ना गांठ वाला ये हमारे खेत का है, इसको भी जगह जगह पे डाल देते हैं, ये भी हो जाएगा और ये भुना लहसुन जब डालते हैं इसमें काट के बारीक ना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है चोखे में। नेनुआ देखिए आग में डालने के बाद इसको ढक देते हैं उपले की आग में और लहसुन भी देखिए बहुत जल्दी हो जा रहा है, ये रहा लहसुन देखिए ये काफ़ी स्वाद में, ये वाला देखिए लहसुन हो गया है, इसको निकाल दिया हमने, लहसुन ऐसे भून के खाना चाहिए जो दिल की बीमारियाँ होती हैं ना उसमें काफ़ी फायदा करता है, देखिए लहसुन भुना गया है इसको भी निकाल दे रहे हैं, उपले का जो आग है ना नेनुआ को ढक दे रहे हैं। तो आग में से देखिए जो चीज़ हो गया उसको निकाल लेते, देखिए लहसुन हो गया है थाली में रख देते हैं और नेनुआ देखिए अभी हो रहा है बच्चे कर लेते हैं, देखिए अच्छे से देखिए दबने लगता है इस तरीके से, देखिए नेनुआ हो गया है तो थाली में रखते हैं और ये भी देखिए हो गया, इसको भी निकाल लेते हैं और टमाटर भी देखिए हमारा हो गया है, अभी देखिए दो नेनुआ काफ़ी बड़ा था भी हुआ नहीं, इसको ढक देते हैं और दो टमाटर रह गया अभी और अब चलते हैं चोखा में डालने के लिए। देखिए यहाँ पे लिया हमने हरा मिर्चा, धनिया लिया है, यहाँ पे प्याज लिया है, ये सब को छील के बारीक काट लेते हैं,
प्याज जब इस नेनुआ के चोखे में कच्चा डालते हैं काट के दम बारीक ना, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। देखिए प्याज को हम छील लेते हैं और यहाँ पे देखिए खेत का ताज़ा दम हरा मिर्चा लिया इसको डालेंगे और धनिया के पत्तों को लिया इसको डाल देते हैं इसका डंठल हटा के। तो जो नेनुआ देखिए हो गया है और हमारा टमाटर लहसुन इसको साफ पानी देखिए धुल लेते हैं इसका राख जो छेद साफ हो जाए। और इधर देखिए धनिया प्याज और हरा मिर्चा इसको धो लेते हैं। नेनुआ को देखिए हमने साफ पानी से देखिए इस तरीके से जो भून गया इसको छिलका देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा हटा देंगे। बाकी छिलका सही थी काफ़ी मुलायम जो कि होता है नेनुआ भुनने के बाद इसका छिलका सही थी चोखा बनता है। बस हल्का से ऊपर ऊपर का जो काला काला दिख रहा है वो हटा देंगे और आपको देखिए अंदर भी तोड़ के दिखाते हैं देखिए कितने अच्छे से नेनुआ जो कि हो गया है ये। तो इसका राख धुल के इसको देखिए थाली में रखते जाते हैं। इसी तरीके से टमाटर भी इसका छिलका हटा के राख धुल लेते हैं इसको भी रखते जाते हैं। देखिए ये भी नेनुआ जो कि हो गया है आग में से इसको भी निकाल लेते हैं। देखिए अच्छे से दब जा रहा है हो गया है। और टमाटर भी देखिए जो हो इसको भी निकाल दिया हमने और एक लहसुन देखिए इसको भी निकाल लेते हैं चलते इसको भी धुल के छील लेते हैं। इधर देखिए हमने प्याज और लहसुन बारीक काट लिया हरा मिर्चा धनिया के पत्तों को देखिए बारीक काट ले रहे हैं और नेनुआ को देखिए हमने अच्छे से छिलका हटा के अच्छे धो के और टमाटर भी धो के रख लिया एक बर्तन में। अब चलेंगे सभी चीज़ों को मिलाएंगे चोखा बनाएंगे। और शाम का मौसम आज का बहुत अच्छा है ठंडी ठंडी हवा चल रहा है और अंधेरा होने वाला है। अब चलते हैं चोखा बनाते हैं नेनुआ का। तो देखिए जो हमने प्याज काटा इसमें डालते हैं और लहसुन देखिए जो बारीक काटा है भून के इसको डालते हैं हरा मिर्चा डालते हैं इसमें और धनिया के पत्तों को डालते हैं और इसमें डालेंगे सरसों का तेल। ये देखिए घर का हमारे शुद्ध सरसों का तेल है इसको डालते हैं। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इसको हाथों से देखिए अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। जब हम अपने गांव आते थे ना तो दादी और माँ के और नानी के हाथों का देखिए जब इस तरीके से भून का जब नेनुआ का चोखा मिलता था ना दाल चावल पे तो खाने में बड़ा मस्त लगता था। और आज हमें देखिए नेनुआ का जो चोखा बना रहे हैं वही वाला दिन याद आ जा रहा है। बहुत बढ़िया लगता था खाने में रोटी के साथ दाल चावल गरम गरम मिलता था उसके साथ खाने में बचपन के जो दिन थे ना याद आ जाते थे। तो नेनुआ का देखिए चोखा हमारा बन गया है कितना बढ़िया देखिए लग रहा है देखने में खाने में बहुत टेस्टी है। इसमें हमने जो प्याज टमाटर लहसुन जो भून के डाला ना इससे इसका स्वाद जो कि बहुत अच्छा आता है। गांव में जब नेनुआ खेत में ज़्यादा हो जाता है ना तो लोग सब्जी खाते हैं और दाल में डाल के खाते हैं तो उब जाते हैं उसका जब चोखा बना खाते हैं ना तो बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को लाइक करिएगा कमेंट करते रहिए कि आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगता है। नए वीडियो साथ मिलते हैं धन्यवाद।